हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। दिस इज नेक्स्ट इन सीरीज फॉर योर मेंटरशिप लेक्चर ऑन एचसीएस मेंस। यू नो दैट मेंस इज अप्रोचिंग नाउ, इट इज नाउ ऑल्दो 60 डेज आर लेफ्ट, 2 महीने का वक्त है आपके पास एंड होप यू हैव डन ऑल द प्लानिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। इन द प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव डिस्कस द पैटर्न कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने वर्ड लिमिट के क्वेश्चन आते हैं and how the syllabus has to be understood, ठीक है। तो ये बातें मैंने पिछले लेक्चर्स में करी हैं, आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हो इन द आवर अभिमन्यु आईएएस यूट्यूब चैनल एंड दिस विल गिव यू क्ल्यू अबाउट दिस स्ट्रेटजी ऑल्सो, क्योंकि हर लेक्चर में मैं कुछ स्ट्रेटजी की बातें करता हूँ। और मेंस के पेपर में देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात होती है कि the strategy which you formulate for covering your content, covering your syllabus and the strategy you formulate for performing in the exam, ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपने कंटेंट को कैसे देख रहे हो, सब सिलेबस को कैसे देख रहे हो, है ना, इस पर बात करूँगा आगे मैं इन कमिंग लेक्चर्स। एंड सेकेंडली आप अपने जो एग्ज़ाम के अंदर अटैम्प्ट आप कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, उसको आप हाउ यू आर सीइंग इट, वेदर यू हैव फॉर्मुलेटेड अ स्ट्रेटजी फॉर बोथ या आप जस्ट एज द थिंग्स आर कमिंग आप वैसे ही अपनी पढ़ाई करते जा रहे हो, राइट। बिकॉज समटाइम्स आई हैव सीन दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सफर बिकॉज दे समटाइम्स स्ट्रेस टू मच ऑन देयर वीकनेसेस व्हेन द एग्ज़ाम इज अप्रोचिंग एंड दे जस्ट इग्नोर देयर स्ट्रेंथ। तो नटसेल में होता ये है कि वीकनेस तो वीकनेस ही रह जाती है और स्ट्रेंथ को भी हम खो देते हैं। तो एक बहुत ही मैच्योर एंड बहुत ही बैलेंस्ड स्ट्रेटजी रखने की ज़रूरत है व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली। तो आज का जो मेरा विषय है कि जो लास्ट 2 महीने हैं, अब ये लास्ट 2 मंथ्स, इसमें ब्रॉडली आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। ऑफकोर्स इनकी ये बातें मैं अगले लेक्चर में, आगे लेक्चर्स में करूँगा, बट आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इन दिस कमिंग 2 मंथ्स, कमिंग मंथ्स में क्या स्ट्रेटजी आपकी 2 महीने की रहनी चाहिए, ये हमें डिस्कस करना है आज। देखिए 60 दिन आपके पास हैं, 60 डेज यू हैव, एंड क्या क्या आपको तैयार करना है ये आपकी एक लिस्ट बनी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ टाइम टू कंसोलिडेट, आपका अपनी प्रिपरेशन के बारे में एक कंसोलिडेटेड व्यू होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैंने क्या किया है। तो एक आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर है, सेकंड इंग्लिश का पेपर है, थर्ड हिंदी का पेपर है और चौथा पेपर आपका है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, ठीक है ना। आपका ये लास्ट 60 दिन के अंदर क्या प्रायोरिटी आपकी अपनी होगी, आप कागज़ और पेन लेके सबसे पहले आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि जीएस में मेरे ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं और ये मेरे वीक एरियाज़ हैं, राइट। तो देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू एलोकेट टाइम कि डेली मेरे को ये एटलीस्ट 4 घंटे, 3 से 4 घंटे मुझे जीएस को देने हैं। देखो जो मैं आपको एक जनरलाइज्ड व्यू बता रहा हूँ, अदरवाइज जो एक्चुअल स्ट्रेटजी है इट मे वेरी स्लाइटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट 3-4 घंटे जीएस को लगने चाहिए, है ना। तो और आपको अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये मेरा वीक एरिया है ना, और स्ट्रॉन्ग एरिया को छोड़ना नहीं है और वीक एरिया पे पैरेलल काम करना है। ऐसा तो नहीं है कि सबका सारे एरिया वीक होंगे जीएस में, है ना, लेकिन अगर कुछ एरिया आपके वीक हैं तो उनको उसके लिए एक सेपरेट स्ट्रेटजी आप बना सकते हो, राइट। तो और सेकेंड, अब जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में आपका क्या स्टेटस है, एटलीस्ट 45 to 1 hour डेली इंग्लिश को आपका लगाना है आपको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली हम इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं जबकि एचसीएस में पेपर इंग्लिश का आसान नहीं आता। सिमिलरली हिंदी को 45 मिनट से 1 घंटा आपको ज़रूर डेली राइटिंग प्रैक्टिस में लगाना, लिखना है इंग्लिश और हिंदी आपको लिखनी है। और बेटर है सेल्फ चेक करो कि वेदर कोई ग्रामेटिकल एरर या कोई आपका और पंक्चुएशन एरर्स या स्पेलिंग एरर्स, ये हैंड राइटिंग ठीक है, ज़्यादा कटिंग तो नहीं है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम टीचर ऑल्सो, सम इंग्लिश टीचर ऑल्सो फॉर चेकिंग योर पेपर, हिंदी टीचर ऑल्सो फॉर चेकिंग योर पेपर, ठीक है ना। डेली एक पेज, ज़्यादा मत उसको फैलाओ चीज़ को, चाहे 1 पेज 2 पेज लिखे बस, दैट इज़ मोर देन इनफ। 7 दिन का टाइम है हमारे पास तो, और ये हमें रेगुलर बेसिस पे करना है
जो बच्चे इस तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं, चल आप इंग्लिश भैया हम नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, लास्ट 15 दिन में इंग्लिश कर लेंगे, लास्ट 15 दिन में हिंदी कर लेंगे, ये हमने लास्ट 25 ईयर्स के अंदर देखा, ये स्ट्रेटजी जनरली फेल हो जाती है। क्योंकि सिमिलर स्ट्रेटजी हरियाणा में आती है, पंजाब में आती है, पंजाब में इंग्लिश और पंजाबी है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये स्ट्रेटजी कई बार गड़बड़ा जाती है। तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे लेके चलें, और चीज़ें ऐसी हैं, ग्रामर है, हिंदी इंग्लिश का ग्रामर है, तो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है वो। प्रेसी राइटिंग है, अगर आप 8-10 प्रेसेस लिख के देखोगे तभी वहाँ पे पेपर में प्रॉपरली कर पाओगे। कॉम्प्रिहेंशन चलो हो जाता है, फिर भी ऐसे है, ऐसे के 5-2-4 ऐसे प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी, है ना। एंड सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल, ऑप्शनल के अंदर भी आपका, क्योंकि सिलेबस सारा आईएएस वाला है, आप है ना, अगर आपने तैयारी आईएएस की करी हुई है तब अलग बात है, लेकिन अगर आपने सपोज अभी ऑप्शनल पूरी तरह तैयार नहीं किया है तो डेली का आपने टारगेट बनाना है। ऑप्शनल का अगेन डेली का टारगेट हैज़ टू बी देयर, कि ठीक है अगर आपके कोई भी सिलेबस आप रख रहे हो उसमें 20-25-30 चैप्टर्स हैं, तो डेली का टारगेट आप बना के चलो कि ये मेरे को इतने टॉपिक रोज करने। डिवाइड द होल सिलेबस इनटू एटलीस्ट 45 to 50 डेज, 60 दिन बचे हैं, 10 दिन लास्ट के छोड़ दो फॉर फाइनल रिविजन्स, और 45 से 50 दिन का आपको अपना शेड्यूल बनाना है कि मेरा कितना बच गया सिलेबस का और कितना मुझे करना है और 45 दिन में कैसे डिवाइड करना है। कई बार हम ना एंशियस हो जाते हैं बड़े कि यार अभी कर लूँ, 15 दिन में सारा ऑप्शन तैयार कर लूँ, पहले 15 दिन में सारा ऑप्शन तैयार कर लूँ, फिर मैं जीएस कर लूँगा, फिर मैं उसके बाद इंग्लिश कर लूँगा, हिंदी कर लूँगा। आप एक सोचो, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट बी मेकिंग दिस स्ट्रेटजी, सोच के देखो आप क्या ऐसी स्ट्रेटजी आप बना रहे हो, है ना, नहीं बना रहे, है ना, या बना रहे हो। तो ये एक चक्कर होता है कि क्योंकि एंग्जाइटी होती है ना कि मैंने ऑप्शन नहीं करा, मैं पहले फटाफट ऑप्शन कर लूँ फिर मैं उसके बाद जीएस कर लूँगा। अब एक बात सोचो, इस स्ट्रेटजी में क्या कमी है और क्या रिस्क है कितना बड़ा। अगर आपने सपोज कहा कि मैं 20 दिन में ऑप्शनल तैयार कर दूंगा और वो नहीं हुआ, तो जो डेफिनेटली नहीं होगा, पूरा आईएएस वाला सिलेबस है, अब बड़ा मेच्योरली इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर 20 दिन में नहीं हुआ तो वर्चुअली इनएविटेबली क्या होगा, अगले सारे टारगेट प्रॉब्लम में आते जाएंगे और आप एक विशियस साइकिल में फंस जाओगे और अल्टीमेटली फिर सारी तैयारी आपकी सबोटेज हो जाएगी, है ना। सो दिस थिंग हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो आप ये एक लास्ट 60 डेज में आप स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। इसके बाद एक और बच्चे मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज़ करंट अफेयर्स, कि करंट अफेयर्स भी तैयार करना आपको। देखो डेली आपने 3 से 4 घंटे जीएस को लगाए, 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, कितने घंटे हो गए, 5 से 6 घंटे हो गए, 2 से 3 घंटे आपके ऑप्शनल में लग रहे हैं, तो 8 से 9 घंटे हो गए। ज़्यादा 3 से 4 घंटे लगा सकते हो, आप ज़्यादा पढ़ोगे तो 10 घंटे इसमें चले गए आपके, 10 घंटे इसमें चले गए, तो घंटा का आपका करंट अफेयर्स पे रह गया कि 1 घंटा आप करंट अफेयर पे, 11-12 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो 1 घंटा करंट अफेयर्स पे लगा दिया। तो अब बात ये आती है करंट अफेयर में क्या करना है ना। देखो करंट अफेयर्स में यू हैव टू एक्ट वेरी मेच्योरली। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, सर ये इसका, इस इंस्टीट्यूट का हम मंथली करंट अफेयर कर लें सारा, इसका हम वीकली कर लें, इसका हम डेली कर लें। देखो बात ये नहीं है, एंड आई फेल टू प्रोवाइड आंसर टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज होता क्या है कि जब ये, अगर हम भी करंट अफेयर्स की अपनी वीकली जैसे इशू निकालते हैं तो हम उसमें प्री और मेंस की डिस्टिंक्शन नहीं करते, इट्स ऑलवेज प्री कम मेंस, है ना। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि कई बार कई ऐसी चीज़ें होती हैं उस नोट्स में जो मेंस में काम नहीं आती, सिर्फ प्रिलिम में काम आनी, सॉरी प्रिलिम में काम आनी है। तो कोई भी नोट्स आप एक्सेस करो उसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस के टॉपिक करने हैं, सिर्फ और सिर्फ मेंस के टॉपिक करने हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ मेंस के टॉपिक करने हैं। और ध्यान से सोच समझ के आपको कोई भी डॉक्यूमेंट उठाना है, आपका एक्सेसिवली टाइम ना ले जाए वो, है ना। देखो हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में तो स्टैटिक ही आएगा, अब पॉलिटी है, पॉलिटी में एक आधा क्वेश्चन को करंट का आ जाएगा, इकोनॉमी में करंट का आ सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारे क्वेश्चन आ जाएंगे करंट के। तो आप जो अब पेपर आएगा उसको पिछले साल के पेपर से कंपेयर नहीं कर सकते, पिछले साल भी पेपर आया था लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो करंट था, वो तो जनरली एक जनरल सा मिक्सचर सा पेपर था जिसका कोई करेक्टर नहीं था, वो मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर्स में पूरा पेपर डिस्कस किया, 2019 वाला जो एचएस का मेंस था वो मैंने पूरा डिस्कस किया आपसे साथ। तो उसमें दिखाया मैंने आपको कि इसका, इस पेपर का कोई करेक्टर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन इस बार पेपर इज सपोज टू बी स्ट्रक्चर्ड, कि अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हिस्ट्री का होगा, पॉलिटी का होगा, ज्योग्राफी का होगा, जैसे पहले आईएएस में पेपर आता था, है ना। तो इस तरह से ये आपका पूरा स्ट्रक्चर चलेगा। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट यू हैव टू प्लान योर प्रिपरेशन। और करंट अफेयर के बारे में आपको कोई भी डाउट है, जैसे मैंने एक नंबर दिया हुआ है
मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ नंबर, जिन्होंने पहले लेक्चर अभी अटेम्प्ट नहीं किया, ये एक नंबर है 9501114021, 9501114021, ये नंबर आपका एक नंबर है जो आप इस पर व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हो, आप कॉल नहीं करोगे कभी भी, बट एक टेक्स्ट करोगे रिगार्डिंग एनी योर डाउट ऑफ रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। ठीक है जी, देखिए अब ये आप तैयारी कर रहे हैं तो ब्रॉड एक आउटलुक हो गई, ब्रॉड मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी कि लास्ट 60 दिन के अंदर आपको इस तरह से अप्रोच करने की ज़रूरत है और अपनी तैयारी को आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जब मैं तैयारी कर रहा हूँ, जीएस तैयार कर रहा हूँ, ऑप्शनल तैयार कर रहा हूँ, तो क्या करूँ, शुड आई रीड इट? देखिए ये टाइम लास्ट 60 दिन जो होते हैं ये सिर्फ रीड करने के नहीं होते, स्टेट लेवल पे हम ये कहते हैं कि लास्ट 60 दिनों के अंदर आपको, अब आप जीएस अगर 4 घंटे लगा रहे हैं तो एटलीस्ट 1 or 2 आप मेंस के आंसर लिख के जरूर देखें, क्वेश्चन उठाएं उसको लिख के देखें, है ना, नॉट ज़्यादा, एक क्वेश्चन 10 मिनट लगाने हैं, 5 मिनट लगाने हैं, चाहे गलत होता है, चाहे हाथ लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, यू जस्ट राइट डाउन, आप ये मत सोचो कि मैंने कितना अच्छा लिखा कितना खराब लिखा, जस्ट लिखो, जस्ट टेक आउट सम क्वेश्चन, चाहे प्रीवियस ईयर से ले लो, चाहे आईएएस के प्रीवियस ईयर से ले लो, वैसे वहाँ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लेकिन छोड़ो, चलो पीसीएस का कोई और स्टेट लेवल का क्वेश्चन उठा लो, आप हरियाणा का उठा लो, हिमाचल का उठा लो, प्रीवियस ईयर पेपर सबके मेंस मिलते हैं, वहाँ से उठा के बस प्रैक्टिस करो कि हाँ ये लिख के देखा मैंने, है ना, अब 150-200 वर्ड में अगर क्वेश्चन लिखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से फ्री हैंड से लिख के देखो। तो आपको ऐसे ही सेम ऑप्शनल में, ऑप्शनल में भी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, सिर्फ पढ़ते नहीं रह जाना। देखो हमें हमारा मकसद सिलेक्शन लेना है, हमारा मकसद सिलेबस को कवर करना नहीं है सिर्फ। अब लास्ट 60 दिन है, अगर आप कहो मैं सिर्फ याद ही करता रहूँ, रिवाइज ही करता रहूँ, उससे मेरा काम हो जाएगा, डेफिनेटली आप कवर कर लोगे, वो आपकी एंग्जाइटी कवर होती है, लेकिन व्हाट अबाउट गेटिंग मार्क्स इन द एग्जाम? मार्क्स तो नहीं मिलते ना, मार्क्स तब मिलेंगे अगर आप ही लिख के देखोगे, मार्क्स तब मिलेंगे अगर आपको टेस्ट सीरीज, कोई प्रॉपर टेस्ट जो है, टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस करोगे, जीएस की भी और ऑप्शनल की भी, है ना। डेफिनेटली टेस्ट कई बार, टेस्ट सीरीज में क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि भी मैंने वो सेक्शन किया नहीं हुआ, उसका टेस्ट है आगे, है ना, कोई बात नहीं, जो टेस्ट आप दे सकते हो दो, बाद में दे दो टेस्ट, लेकिन प्रैक्टिस तो होगी ना उससे। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है हरियाणा की, स्पेशलाइज्ड टेस्ट सीरीज, जो हमारा एक्सपीरियंस है 25 साल का, उसके अकॉर्डिंग हमने टेस्ट सीरीज वो बनाई है, एंड दैट विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस अलॉट, है ना। देखो टेस्ट सीरीज का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ पेपर में यही आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आने को आ जाए, नहीं आने को ना आए, हम आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहते कि नहीं ये टेस्ट सीरीज ले लो इसी में से पेपर आएगा, ऐसा नहीं होता। आ जाए, हम भी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अच्छे क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई क्लिक कर जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज जो टेस्ट सीरीज का होता है दैट इज़ दैट यू आर, आप बंद के प्रैक्टिस कर लेते हो। जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन कह रहा हूँ मेंस के, कुछ बच्चे करेंगे कुछ बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन हफ्ते में अगर एक टेस्ट दे दो संडे को या जो भी टेस्ट हमारा हो रहा है, तो आप एक झटके में 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो एक बंद के प्रैक्टिस कर लोगे, चलो हाथ से लिख के ही देख लोगे, कुछ सजेशन ही मिल जाएंगे कि आपके राइटिंग स्टाइल में ये कमी है, है ना। जैसे एक बच्चा आप मेरे पास टेस्ट आया आप बच्चे का, तो वो ही वॉज नॉट राइटिंग इंट्रोडक्शन, कुछ नहीं, जस्ट वो पॉइंटर में लिख लिख के आंसर लिख दिया, अब उसने कभी मेंस के आंसर लिखे ही नहीं थे प्रॉपरली, और लेकिन जब हमने उसको सजेशन दिया कि आप इस तरह से लिखो, तो उसका ही वॉज वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को तुम्हें तो आँखें खुल गई, तो मैं तो कुछ और ही करता रहता, है ना। तो एक मोटे से कुछ एरर आपके राइटिंग स्टाइल में है, या आपके कंटेंट में कमी है, या आपकी लैंग्वेज में कमी है, तो वो सारी बातें बाहर आ जाती हैं लिख के, तो एटलीस्ट टाइमली हम एक्शन ले सकते हैं उस पर, एंड दिस इज द राइट टाइम। अब आप कहें कि हम टेस्ट हम लास्ट 15 दिन में दे देंगे, तो किस लिए दोगे टेस्ट, मत दो, फिर तो टेंशन लेने वाली बात है, लास्ट 15 दिन में कहीं टेस्ट ठीक ना हुए तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे, एंग्जाइटी में आ जाओगे। टेस्ट देने का वक्त अब है कि हाँ अब से आपकी स्ट्रेटजी ठीक डाउन ले डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड कंसर्न, सेकंड फोकस है लास्ट 60 डेज में जो आपका रहना चाहिए। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग दिस लास्ट 60 डेज, वो है कि आपको अपना जो डिसिप्लिन है वो लास्ट 60 डेज में बहुत मेंटेन करना है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऑफ फूड, खाने का डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन ऑफ योर स्लीपिंग, सोने का डिसिप्लिन, है ना, आपका टाइम स्पेंड करने का, हाउ यूटिलाइज योर टाइम, उसका डिसिप्लिन, मतलब अपने आप को लास्ट 60 दिन में डिसिप्लिन रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, है ना। दैट गिव्स यू मोटिवेशन, ऐसा नहीं कि उससे बेटर तैयारी हो जाएगी, उससे क्या है कि आप मोटिवेटेड रहोगे, आप एटलीस्ट अपने आप में ट्रुथफुल रहोगे कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, है ना।
और एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी कि यस आई एम सेक्रीफाइसिंग समथिंग फॉर दिस एग्जाम एंड दैट अवर ब्रेन टेक्स दिस थिंग इन अ वेरी गुड स्पिरिट कि यार हाँ देखो हम इसके लिए काम कर रहे हैं। देन इट्स अ टीम एफर्ट कि हाँ आप तीनों चारों तरफ से लगे हुए हो, घर में हैं, अपने घर में एनवायरनमेंट सुटेबल होना चाहिए, घर वालों को क्लियरली बोलकर रखो ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं है, कहीं नहीं है, कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। अपना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका प्रीलिम क्लियर हुआ है, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए भी है कि दिस एग्जाम आप फियरलेस होकर एग्जाम दे सकते हो कि इट हैज़ टू बी अ फेयर एग्जाम, फेयर आपकी चेकिंग होगी, यही एक्सपेक्टेड है, तो इससे बड़ा और मौका क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो डिसिप्लिन अपने आप को आपने रखना है, और लास्टली यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, अपने बारे में एक पॉजिटिव एनर्जी आपने अपने अराउंड बना के रखनी है, कभी भी नेगेटिविटी नहीं आने देनी कि मेरा नहीं होगा जी, मेरा तो कुछ नहीं बनेगा, मेरा ये बनेगा, मेरा वो बनेगा। अगर ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी आती है कि आपको एक नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा है कि मेरा तो कुछ नहीं बनेगा, कई बार कोई वीकनेस होती है हमारी, जीएस वीक होती है या जीएस में एक दो सेक्शंस वीक होते हैं, तो हम एक डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि यार मेरा क्या बनेगा, मेरे को तो ये आता नहीं है, मेरा ऑप्शनल तैयार नहीं है। कोई भी ऐसी समस्या आपके जहन में आए, प्लीज़ टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर, वी विल प्रोवाइड यू अ वेरी गुड सोल्यूशन, जिससे आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी एंड यू विल स्टे पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस वॉज फ्यू टिप्स फ्रॉम मी, आई एम प्रवीण बंसल, चीफ मेंटर ऑफ मेन्यू आईएएस, एंड आप ये टिप्स यूज़ करके यू कैन ड्रॉ सम बेनिफिट, एंड कोई भी डाउट हो मन में तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, वी विल सी यू अगेन।